नमस्कार, स्वागत है महाकाल टुडे के इस बुलेटिन में आप सभी का। मैं हूं कपिल शर्मा और हम लेकर आए हैं शहर का हाल आपके लिए, वो भी पूरे विस्तार से। मृत्यु लोक के स्वामी राजाधिराज श्री महाकालेश्वर के मंदिर में आज श्रावण पुरुषोत्तम मास के तीसरे सोमवार पर भस्मारती दर्शन के लिए आस्थावानों की भीड़ उमड़ी, जिसने जय श्री महाकाल बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए बाबा के दर्शन कर अपने आप को धन्य किया। बाबा महाकाल के निराकार से साकार स्वरूप में होने वाले भस्मारती के दर्शन के लिए देर रात्रि से ही मंदिर में श्रद्धालुओं की कतार लगना शुरू हो गई, जिसके बाद 2:30 बजे मंदिर के पट खुलते ही पूरा मंदिर परिसर जय श्री महाकाल की गूंज से गुंजायमान हो गया। भस्मारती के पूर्व मंदिर में पुजारी पुरोहितों ने जलाभिषेक कर भगवान महाकाल का भांग और सूखे मेवे से श्रृंगार किया। पूजन के पश्चात महानिर्वाणी अखाड़ा महंत विनित गिरी द्वारा भस्म अर्पित की गई। इस दौरान हजारों श्रद्धालुओं ने चलायमान दर्शन व्यवस्था के तहत अपने इष्ट देव बाबा महाकाल के दर्शनों का लाभ लिया। श्रावण मास में बाबा महाकाल के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इस मास में अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को बाबा महाकाल की अलसुबह होने वाली भस्मारती के दर्शन लाभ ले सके, इसलिए मंदिर में इन दिनों भस्मारती के चलायमान दर्शन की व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ प्रतिदिन हजारों श्रद्धालुओं को मिल रहा है। आज श्रावण मास के तीसरे सोमवार पर भी शहर ही नहीं बल्कि देश विदेशों से आए श्रद्धालुओं ने बाबा महाकाल की भस्मारती का दर्शन लाभ लिया। रात 2:30 बजे शुरू हुआ बाबा महाकाल के दर्शनों का क्रम अनवरत जारी है। श्रद्धालु बाबा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है, बाबा महाकाल को आज 2:30 बजे पट खुले और बाबा महाकाल को आज विशेष पूजा अर्चन की गई। दही दूध छह शकर पंचामत से बाबा का अभिषेक किया गया। इसके बाद में आज भांग का विशेष श्रृंगार है, विशेष श्रृंगार किया गया, भस्म और वस्त्र धारण किए गए, माला धारण की गई, वो बाबा की महाआरती की गई। इसमें भगवान को हजारों लोग दर्शन कर रहे हैं और ये श्रावण का महीना है, ये शिव का दिन रहता है पूरा महीना। अब के अधिक मास है इसलिए 2 महीने रहते हैं। पूरे हिंदुस्तान में शिव की महिमा रहती है, बोल बम के नारा लगते हैं, हर हर महादेव के नारा लगते हैं। भगवान अपने भक्तों का कल्याण करे, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति करे, परिवार में सुख शांति समृद्धि करे, भगवान सबका मनोकामना परिपूर्ण करे। महाकाल पुजारी ओम गुरु उज्जैन। पर्वत का तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की, तू भोला पर्वत का मैं रानी मैला की, तेरी मेरी पार पड़ेगी भोले लिखी पहला की, तेरा साथ ही चाहिए भोले मन की सहत कोई मतलब नहीं, मेरी खातर साथ बतेरा तेरा दुनिया ते मन मतलब नहीं, तेरी खातर के जाऊं भोले मन कुछ नहीं बेरा है, दुनिया का मन बेरा।